वाराणसी में क्यों तोड़ी गई मंदिर, गांधी चबूतरे को किया गया ध्वस्त, सपा ने योगी सरकार से पूछे सवाल। हमारे देश की राजनीति में मंदिर और गांधी ये दो शब्द हैं जिस पर सियासत जारी रहती है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। सपा ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने विकास के नाम पर मंदिर और गांधी चबूतरे को तोड़ दिया है। आज समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए पोस्ट किया और बीजेपी पर निशाना साधा, जिसमें उन्होंने लिखा कि आधुनिकता के नाम पर कब तक विरासत को जमींदोज करेगी सरकार। भाजपा सरकार में भारत माता और गांधी चबूतरा, जो वाराणसी की शान था और आजादी की लड़ाई का साक्षी था, उसे सड़क चौड़ी करने के नाम पर तोड़ डाला गया। भाजपा को गांधी से नफरत है, आजादी की लड़ाई में आरएसएस का कोई योगदान नहीं था, इसलिए ये भाजपा ही उस सारी विरासत और प्रतीकों को तोड़ डालना, रौंद डालना चाहते हैं। निंदनीय, शर्मनाक, नहीं चाहिए भाजपा। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के वाराणसी के जीटी रोड के सड़क चौड़ीकरण के नाम पर शनिवार को रोहलिया चौराहे पर स्थित गांधी चबूतरे को जेसीबी से ढा दिया गया, तो वहीं गांधी मंदिर को तोड़ते समय जैसे ही जेसीबी मशीन काम करने लगी, स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए और इसका विरोध करने लगे, जिसके बाद कैसे भी लोगों को समझाया गया, चबूतरे और मंदिर को तोड़ा गया। अधिकारियों ने लोगों को आश्वासन दिया कि सड़क चौड़ीकरण के बाद गंगापुर परमात्मा नंदपुर मार्ग के तिराहे पर एक नया गांधी स्मारक स्थापित किया जाएगा। अगर इस चबूतरे के इतिहास की बात की जाए, 1968 में परमानंदपुर निवासी बाबा लालधर ने गांधी चबूतरा की स्थापना की थी। गांधी की ऊपरी शिखर पर भारत माता की मूर्ति, राष्ट्रीय प्रतीक चार मुंह वाला शेर और राष्ट्रीय ध्वज भी बनाया गया था, जिसे बीजेपी ने सड़क चौड़ी करने के नाम पर ढा दिया। ऐसे में सपा इस मुद्दे पर राजनीति करती हुई दिखाई दे रही है। देखना होगा सपा के वार पर बीजेपी कैसे पलटवार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया।